दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण डियर है और आज मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान। मेहमान तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं आज इन्हीं की कर्मस्थली पर बैठा हूँ। जी हाँ, मेरे साथ हैं डॉक्टर विजय यादव जी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गाँव जैसे क्षेत्र में शहरों जैसी सुविधाएँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सर आप कैसे संभव कर पा रहे हैं? सबसे पहले सर धन्यवाद कृष्ण जी, आप हमारे RCI कैंपस पहुँचे हैं। यहाँ बांसुर एक ग्रामीण परिक्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों को शहरों जैसी सुविधाएं देना इसलिए आवश्यक था कि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको शहरों में जाकर पढ़ाई के साथ साथ रहने के लिए बहुत अधिक खर्चा करना पड़ रहा था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ शहरों की तरह कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने के लिए विचार किया। जैसा कि माहौल जयपुर में ही विद्यार्थियों को मिल पा रहा था और विद्यार्थियों को इसके लिए जयपुर जाकर के रूम लेना, पीजी में रहना, हॉस्टल्स में रहना अभिभावक की तरफ से बहुत बड़ी ये समस्याएं उनके सामने आ रही थी कि हम किस प्रकार से विद्यार्थियों की ये तैयारी करें। इसीलिए हमने यहाँ विचार किया कि शहरों जैसी सुविधाएँ यदि गाँव में ही दे दी जाए तो क्यों नहीं हमारे जो क्षेत्र के विद्यार्थी हैं वे यहाँ बांसुर में ही रह करके और अच्छी तैयारी करें। तो ये सुविधा देने के लिए जैसा आपने कहा कि कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके लिए हमने सबसे पहले जो विचार किया कि कॉलेज जो इसका एप्लीकेशन दिया जाए और उसके साथ में कंपटीशन की जो कक्षाएं दी जाए जिससे विद्यार्थी को कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन का माहौल मिले और विद्यार्थी कंपटीशन करके अपनी जो नौकरी उसको जल्दी से जल्दी लगनी चाहिए वो कर सके। इसी के साथ साथ हम स्कूली क्षेत्र में भी फाउंडेशन की जो कक्षाएं कंपटीशन कक्षाएं साथ में दे रहे हैं, इसके लिए जैसी सुविधाएं शहर में एक विद्यार्थी को मिलनी चाहिए वो सभी सुविधाएं देने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो चाहे फैकल्टी से संबंधित हो। फैकल्टियों को यहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं हो, बाहर से जो फैकल्टी आती है इसके लिए हमने उनके रेजिडेंस भी यही प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर जैसा माहौल हम विद्यार्थी को दे सकें। सर मेरा अगला सवाल यह है आपसे कि एक छोटी सी कोचिंग चाहिए शुरुआत की थी और आज इतने बड़े एजुकेशन आपके रूप में आपने सर 2010 की बात है कृष्ण जी, मुझे अच्छे से ध्यान है कि उस समय कुछ ऐसी प्रस्तुति आई कि मुझे कोचिंग के रूप में बांसुर में विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों की सुविधाओं के लिए विचार करके कोचिंग के रूप में हम यहाँ आए। वो एक प्रस्तुति क्या मैं उसको मानूँ कि जैसे बुजुर्गों ने एक बात कही है, लाठी का घाव भर जाए बोली का घाव नहीं भरे। वो एक ऐसी बात थी जो मैं पब्लिक इस प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर नहीं करना चाहूँगा। बाकी उसी वजह से मैंने विचार किया और एक कोचिंग की शुरुआत हमने की और उस शुरुआत में मेरी जो टीम थी उसके साथ लगकर के हमने कोचिंग जो था उसका किया। फर्स्ट साल में उस समय AIEEE में 14 विद्यार्थियों का हमने सिलेक्शन देकर के बांसुर में एक नई पहचान बनाई। साइंस के जो विद्यार्थी थे उनको साइंस के NCERT बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते थे, जितने भी कम्पिटिशन के क्वेश्चन आते थे, कम्पिटिशन में जो एक एनवायरमेंट मिलना चाहिए वो एनवायरमेंट हमने दिया। लेकिन एक परिस्थिति फिर आई और उस परिस्थिति के तहत हमारे को स्कूल जो है उसकी एफिलिएशन लेनी पड़ी और फिर स्कूल के साथ साथ हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल का एफिलिएशन लेना पड़ा क्योंकि पेरेंट्स और अभिभावक जो थे उनकी डिमांड रही। क्योंकि चूंकि शुरू से ही 2010 से ही लगातार RCI के जो रिजल्ट्स हैं, टीम की अथक प्रयास और हाँ जो अभिभावक उनके विश्वास से इतने शानदार रिजल्ट्स आते रहे कि अभिभावकों की डिमांड्स और अभिभावक जो विद्यार्थी हैं उनका विश्वास हम पर बढ़ता चला गया और हिंदी मीडियम स्कूल साइंस का जी। फिर CBSE स्कूल 12th तक जी। फिर कॉलेज की डिमांड ये लगातार बढ़ती चली गई और ये कब ये हमारा इतना बड़ा एजुकेशन हब खड़ा हो गया मुझे खुद को पता नहीं चला। बस मैं लगातार मेहनत करता गया, मेरी टीम लगातार मेहनत करती गई और ये जो कैंपस आपको नज़र आ रहा है ये तैयार होता चला गया, इसमें सभी का सहयोग लगातार रहा। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि जब आप कोई भी कदम आगे बढ़ाने के लिए शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपके शुभचिंतक होते हैं जो आपके सफ़र में साथ देते हैं और आप बड़े खुश नसीब हैं इस मामले में कि आपको बहुत अच्छे साथी मिले। सर मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आपका इतना बड़ा एजुकेशन हब होने के बाद अभी आपने इसी वर्ष से RCI कॉलेज की शुरुआत की है, तो RCI कॉलेज के बारे में आपने कब और क्यों सोचा? सर मैं आपकी जानकारी बता दूं कृष्ण जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। 12वीं में हमारे यहाँ लगभग 500 के आसपास विद्यार्थी 12वीं उत्तीर्ण करते हैं। अभिभावक जब TC लेने के लिए आते हैं तो उनके दिमाग और दिल में एक ही सवाल लगातार मुझसे वो करते रहे हैं कि सर अब आगे क्या करवाएं, कैसे करवाएं जी। जैसे हम उनको सजेशन देते थे कि आप बच्चों को
कॉलेज यदि करवाते हैं तो कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन जरूर करवाना, क्योंकि फाइनली बच्चे को कंपटीशन देना है सर्विस के लिए जहाँ भी उसको एडजस्ट होना है जी। अब उसके लिए क्या है कि उनको माहौल वो नियमित रूप से मिल नहीं पा रहा था। शहर में बच्चे को भेजने के बाद में कुछ बच्चे डाइवर्ट हो रहे थे, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, साथ ही पेरेंट्स को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं मेरे बच्चे को भेजूंगा या बेटी को भेजूंगा तो मेरा बच्चा या मेरी जो बेटी है किसी कारण उसके डाइवर्ट नहीं हो जाए। तो इस बात को देख करके अभिभावकों की लगातार जो हमारे पास में ये डिमांड्स आ रही थी सर कैसे भी इन बच्चों को एक माहौल मिले, तो कॉलेज का माहौल तो हमारे यहाँ रेगुलर मिला हुआ है, बहुत अच्छे कॉलेज सर हैं। आपको भी सर ध्यान होगा, मैं सब दर्शक जो इनको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में अलवर जिले का शिक्षा के क्षेत्र में अलग नाम है और अलवर जिले में बानसूर का एक अलग नाम है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे वो कॉलेज शिक्षा हो, लेकिन कॉलेज के साथ कंपटीशन का एक यहाँ माहौल पैदा नहीं था, माहौल था ही नहीं। उस माहौल को देख करके शहर में ये माहौल है जी। और इसको ग्रामीण परिवेश में यदि हम बच्चों को दे देते हैं तो निश्चित है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको यहाँ ये माहौल मिलेगा और बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को ध्यान में रख करके हमने कॉलेज और कॉलेज के साथ में कंपटीशन की शुरुआत की है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। सर जैसा कि आपने बताया कि बानसूर को वैसे मिनी कोटा भी कहा जाता है और बानसूर में बहुत सारे अन्य कॉलेज भी हैं, बानसूर के कॉलेजों से और अपने आरसीआई के कॉलेज में ऐसी क्या अलग विशेषताएं हैं जो और कॉलेजों से आरसीआई कॉलेज को अलग बनाती हैं? जैसा मैंने आपको भी बताया, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कॉलेज स्तर पर केवल बच्चे को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर क्या तो बीए या फिर बीएससी जो है उसको करने के लिए केवल बच्चे आते हैं, कुछ देर पढ़ाई होती है और वापस चले जाते हैं जी। क्योंकि फाइनली बच्चे को कंपटीशन देना है, बिल्कुल कंपटीशन के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर उसको शहर की तरफ मूव करना है जी, बिल्कुल। ये माहौल हमारे बानसूर क्षेत्र में किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था और उस माहौल को पैदा करने के लिए हमने ये कदम उठाया। तो और कॉलेज और हमारे यहाँ कॉलेज जो है उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंट है कि भाई बीए और बीएससी के साथ में बच्चा किसी भी कंपटीशन को यहाँ कर सकता है, जिससे विद्यार्थी को फाइनली जो करना है ग्रेजुएशन के बाद वो 3 साल में धीरे धीरे फाउंडेशन के रूप में तैयार हो जाए। जैसे 11वीं और 12वीं में बच्चों को 11वीं 12वीं के साथ फाउंडेशन नीट का IIT का करवाया जाता है, सेम वैसे ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के साथ साथ बच्चे को कंपटीशन का फाउंडेशन का जो कोर्स मिलना चाहिए वो और कॉलेज से अलग है हमारे यहाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, आप ये इतनी सुविधाएं गांव जैसे क्षेत्र में प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। सर मेरा अगला सवाल यह है आपसे कि जब कॉलेज की बात होती है तो यहाँ के पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बच्चों को, मैं स्पेशली जब बच्चों के लिए तो फिर भी थोड़ा कम, लेकिन बच्चों के लिए समस्या आती है कि उनको वाहन की सुविधा की बड़ी दिक्कत आती है। और जैसा कि मुझे ये भी पता है कि आप छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए अलग से वाहन सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा सर, गाँव बानसूर जो है इसके चारों तरफ लगभग 20 किलोमीटर के दायरे से 30 किलोमीटर जैसे मुंडावर तक के बच्चे हमारे पास वाहनों से आते हैं। अब उन बच्चों के सामने समस्या आती है कि विशेषकर बच्चियों के लिए आप सही कह रहे हैं कि वो आएँ कॉलेज और फिर वापस जाएं कैसे, केवल कॉलेज की अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो व्यवस्था भी हमारे पास में, साथ में मैंने बताया कंपटीशन जो है करना चाहें तो वो व्यवस्था भी रहती है जी, लेकिन बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए कॉलेज की अलग से गाड़ियाँ, बिल्कुल जैसे स्कूल के विद्यार्थियों के लिए उसी प्रकार कॉलेज के बच्चों के लिए हमने जो मेन बानसूर के चारों तरफ जो मुख्य मार्ग हैं उन पर इस सत्र से हमने वाहन सुविधाएं शुरू कर दी हैं, उसमें बच्चियां आ सकती हैं, यानी लड़के और लड़कियां आ सकते हैं, वापस उनको गाड़ियां उनके मेन स्टैंड तक छोड़ देंगी, ये सुविधा बच्चों को हमने प्रोवाइड कर दी है, जिससे अभिभावक जो है उसकी टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, कॉलेज की गाड़ी से बच्चे या बच्चियां गए, वापस कॉलेज की गाड़ियां उनको छोड़ देंगी, तो उनका आने जाने की एक तो समय बचेगा, दूसरा बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा और अभिभावक और विद्यार्थी दोनों को सुविधाएं मिलेंगी। ये बहुत अच्छी बात है सर, ये वाहन सुविधा अक्सर आप देखते हैं कि जो कॉलेजों में बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जहां पर वाहन सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाती है। सर मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आरसीए कॉलेज में कॉलेज के साथ साथ आप किस किस कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं? जैसा कि शहरों में ऐसा होता था जी, कॉलेज के साथ साथ बच्चों को डिफेंस से संबंधित तैयारी या कंपटीशन संबंधित तैयारी का माहौल मिलता था, जैसे जयपुर के कुछ कॉलेज हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, वहाँ ये कंपटीशन का सिस्टम शुरू था। कॉलेज के साथ में यदि कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से ही डिफेंस में जाने की इच्छा रखता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है, यहाँ 90% पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा लगभग 17 से 20 साल की एज में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, कहीं वो अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं सर्विस लग जाए जी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने विचार किया कि कॉलेज के साथ साथ यदि विद्यार्थी यानी लड़के या लड़कियां NDA में जाना चाहें,
नेवी में जाना चाहें, एयरफोर्स में जाना चाहें, आर्मी में जाना चाहें, टेक्निकल साइड से जाना चाहें, तो वो हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के साथ में रेगुलर रखते हैं। इसके साथ में कोई बच्चा किसी कारण से मेडिकल अनफिट है या फिर डिफेंस साइड में नहीं जाना चाहता है, उन विद्यार्थियों के लिए बैंक से रिलेटेड जो भी कंपटीशन है, बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, एसएससी 10 प्लस 2 हो गया, एसएससी सीजीएल जो है उसकी कंपटीशन शुरू होगी, और फ्यूचर में प्लान भी है कि जो बड़े कंपटीशन आ रहे हैं या सीजीएल जो है उनके लिए भी हम विचार कर रहे हैं। एपकेट जो है इससे रिलेटेड, मतलब बच्चा कॉलेज के साथ साथ किसी भी फील्ड के कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए, वो सब कोर्सेज अपने यहाँ शुरू अपन ने कर रखे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, गांव में बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर अगर आप जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ आकर एक बार अवश्य विजिट करें। सर मेरा अगला सवाल है आपसे कि आरसीआई की जो फैकल्टी है आप उसके बारे में कुछ बताइए। सर जैसे ही डिफेंस और कॉलेज के लिए हमने विचार किया, जैसा कि स्कूल में तो फैकल्टियाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है जी, किसी भी काम को करने से पहले मैं उसके पूरे प्लान और फ्यूचर प्लान को बनाता हूँ। कार्य को शुरू करने से पहले कुछ लोग करते हैं कि उसको शुरू करके और कोशिश करते हैं चलेगा तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल, जिस भवन में आप और हम बैठे हुए हैं मैं जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें कॉलेज शुरू करने से पहले लोग रेंटल बिल्डिंग लेते हैं, उसमें कॉलेज का एफिलिएशन लेते हैं, उसके बाद में कार्य की शुरुआत करते हैं। या डिफेंस या माना कोचिंग अगर शुरू करते हैं तो वो पहले रेंट के ऊपर बिल्डिंग लेते हैं, फिर उसके बाद में विचार करते हैं। पहला स्टेप हमने कॉलेज का विचार किया, कोचिंग का विचार किया, उससे पहले इस भवन का पहले निर्माण किया। 3 मंजिल का जो बिल्डिंग बना हुआ है लगभग 24 से 30 हज़ार के आसपास ये वर्क फिट एरिया बना रखा है। तो कॉलेज शुरू करने से पहले हमने इसको पूरे को बनाया जी बिल्कुल। उसके बाद में फिर हमने इस कंप्लीट करने के बाद में फिर फैकल्टी पर विचार किया, जैसा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर, फैकल्टियाँ कैसी हैं। सीकर, नागौर डिफेंस से रिलेटेड जितने भी टॉप फैकल्टियाँ थी उनके मैंने एग्रीमेंट करवा रखे, हमने रेगुलर स्थाई फैकल्टी के रूप में उनको यहाँ लगा रखा है जी बिल्कुल। फैकल्टियाँ बहुत ही अनुभवी 10-10, 12-12 साल से जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करवाई है, वो कंपटीशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, फिजिक्स के जो भी टॉप फैकल्टियाँ हैं, एक बार बच्चा पढ़ गया उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होना है। जैसे जो अभी जो रिजल्ट आया उसमें एनडीए हो गया, नेवी हो गया, इसमें हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो सेलेक्ट हुए हैं एनडीए में। जो अलवर में सपना देखते थे भाई एनडीए में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, वो सिलेक्शन आरसीआई ने दिए, फैकल्टियाँ अच्छी हैं तभी ये सिलेक्शन हो पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। किसी भी संस्था की जो नींव होती है वो सबसे बड़ी जो नींव जिसके ऊपर आधारित होती है वो फैकल्टी के ऊपर ही होती है जी। मेरा अगला सवाल ये आपसे सर कि जो 12वीं पास अभी विद्यार्थी कर चुके हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीण परिवेश है सर, जैसा आप शुरू से कह रहे थे ग्रामीण परिवेश में शहरों जैसी व्यवस्थाएं देख करके आगे बच्चे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के अनुसार मैं सबसे पहले बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो 12वीं के बाद में जब अपना फ्यूचर चूज करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसको चूज करते समय 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखें जी बिल्कुल। पहला, किसी दूसरे को देख करके वो अपना करियर चूज नहीं करें, केवल उनके साथ के 3 बच्चे नीट के लिए जा रहे हैं तो मुझे भी नीट के लिए जाना है, मैं इस पक्ष में नहीं रहूँगा। उनके साथ ही कोई मैथ का बच्चा है, आईआईटी करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी के लिए जाना चाहे। तो इसमें सबसे पहले मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे अपनी पारिवारिक परिस्थिति और अपनी आयु के लेवल के अकॉर्डिंग आगे का मार्ग जो है वो चूज करें। जैसे ग्रामीण परिवेश में यदि बच्चा जल्दी से सर्विस लगता है, जैसे मैंने पहले बताया था जी बिल्कुल, तो उसके परिवार की जो बहुत बड़ी टेंशन है वो कम हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो 12वीं बच्चे जिन्होंने उत्तीर्ण किए तो मैं उनसे सबसे पहले कहना चाहूँगा कि वो अगर उनका परिवार वो उसका आईक्यू लेवल उसके अच्छे कंपटीशन के लिए उसे परमिशन देता है, परिवार परिस्थितियों को वो आगे विपरीत परिस्थितियों में नहीं आए तो फिर वो नीट की तरफ, आईआईटी की तरफ और एनडीए की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वरना वो विद्यार्थी 12वीं के बाद में कोई भी अपना जो जॉब है, जैसे एसएससी सीजीएल के थ्रू हो गया, एसएससी 10 प्लस 2 के अकॉर्डिंग हो गया, बैंक पीओ का कोई एग्जाम हो गया, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी डिफेंस साइड में जिसमें जल्दी से सर्विस लग सकते हैं, तो मेरा कहना क्या मतलब है कि वो बच्चे जिनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ उनको अलाउ नहीं करती है वो पहले जॉब को देखें उसके बाद में फिर प्रोग्रेस करें, और जिसका बैकग्राउंड अच्छा है वो अच्छे कंपटीशन की तैयारी करें। जैसे ग्रेजुएशन के बाद में आरएस हो गया, आईएस हो गया, यूपीएससी के अच्छे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या समय और पैसा दोनों चाहिए।
तो मेरा संदेश उन बच्चों के लिए है कि जो समय और पैसा दोनों में कहीं परेशानी है जी। तो फिर वो पहले सर्विस के लिए विचार करें, और जिसके ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां नहीं है तो वो आगे बढ़ने के लिए निसंकोच आरएएस आईएएस और यूपीएससी की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा क्षेत्र जो उसका नाम रोशन हो। और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि ऐसे कंपटीशन जो है और ऐसे जो तैयारी आरएएस यूपीएससी की हम यहाँ बच्चों को प्रोवाइड करवाएं, तो फिर वो परिस्थितियाँ जो है लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे। और टीम कार आप सबका सहयोग रहा, क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा, तो हम प्रयास करना चाहेंगे कि ऐसे कंपटीशन में भी बच्चों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश। फिर भी अगर कोई बच्चा है जिसको लगे कि उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ के कारण उसका जो कैरियर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो सपना है वो कहीं इधर उधर हो रहा है जी। तो नहीं संकोच वो मिल भी सकते हैं हमारी तरफ से, आरसी शिक्षा ग्रुप की तरफ से, हमारे राज फाउंडेशन की तरफ से, जो भी इन बच्चों के लिए हेल्प होगी वो करने की हम कोशिश करेंगे, जिससे वो अपने कैरियर जो उसको बना सके और अपने सपनों को साकार कर सके। सर, समय की अभी बात हो रही थी, तो एक समय था आपके समय का कॉलेज और आज के समय के कॉलेज में आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं कि उस समय की जो कॉलेज शिक्षा थी और जो आज के समय की जो कॉलेज शिक्षा है उसमें कितना अंतर आप? बहुत अंतर आ गया जी। बहुत अंतर आ गया। उस समय जब हम जाया करते थे ब्रॉडवे से बैठ करके कॉलेज में पहुंच गए, क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से क्लासे लेनी है, सब बच्चे को हैंडल करना पड़ता था। आज बच्चा कॉलेज में पहुँच गया फिर भी उसके ज़्यादातर काम उसके पेरेंट्स करते हैं जी, बिल्कुल। या फॉर्म जो है वो टीचर के सामने कर देते, बच्चों को फॉर्म तक भरना नहीं आता है। वो टाइम अलग था, ये बहुत चेंज हो गया। दूसरा, उस समय हमें जो भी कुछ सीखना था वो हम टीचर के पीछे पढ़ के फिर सीखते थे, आज टीचर जो है वो बच्चों के पीछे पढ़ते हैं फिर सीखते हैं। दो चेंज तो बहुत बड़े आ गए हैं। दूसरा, उस समय बच्चा केवल कॉलेज किया करता था, हम कंपटीशन जानते ही नहीं थे। हमने खुद ने ग्रेजुएशन की है, मैंने पीजी की है, तब तक ऐसा कोई कंपटीशन का माहौल नहीं था, जानते भी नहीं थे। अगर किसी को कंपटीशन देना है तो यहाँ से कॉलेज करो, उसके बाद में जयपुर जाओ जी। आज का समय है बच्चों को कॉलेज के साथ साथ किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो ऑनलाइन ले, मैं जरूर नहीं कि भाई आरसीआई में आकर के ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, चाहे ऑनलाइन लें या अन्य कहीं कोचिंग लें, लेकिन कॉलेज के साथ में 100% बच्चों को विचार कर लेना चाहिए कि उनको एक दूसरा रास्ता 100% इस समय चूज करना जरूरी है। क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत भयंकर बढ़ चुका है और इस कंपटीशन के माहौल में पहले वाले जो तुलना है उसमें आज इतना चेंज हो गया है कि बच्चे ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो केवल ग्रेजुएशन और पीजी करेगा, तब तक और बच्चे आगे निकल चुके होंगे और वो बेचारे बेरोजगारी की लाइन में लगेगा। इसलिए आज के समय और पहले के समय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चों को कॉलेज के साथ साथ कोई ना कोई कंपटीशन करना बहुत जरूरी है। उस समय के डिसिप्लिन और आज के डिसिप्लिन में बहुत अंतर हो चुका है, उस समय के पारिवारिक माहौल और आज के पारिवारिक माहौल में बहुत चेंज हो चुका है, बच्चों को परिवार का सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी हो गया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज बच्चा अपने मम्मी पापा के पास में कॉलेज से संबंधित, फ्यूचर से संबंधित बातें कम करने लगा है जी, बिल्कुल। पहले बच्चा जब करता था तो सलाह पापा से लेता था, लेकिन जाकर के काम जो करता था वो खुद के स्तर से करता था जी। तो इस परिवर्तन को बच्चों को समझना पड़ेगा और बच्चे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने मित्र मंडली जो है, अपने जो टीचर्स हैं उनसे हेल्प लें और बदलते परिवेश के अनुसार अपने आप को बदलें, वरना जमाना उनको बदल देगा और वो पीछे रह जाएगी। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि कोई ऐसी घटना आपके जीवन में आई होगी वो आपको प्रभावित कर गई हो, आपको ऐसा लगा हो कि नहीं अब तो मुझे कॉलेज ओपन करना ही चाहिए? मैं पहला जैसे शुरुआती आरसीआई की शुरुआत से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब आरसीआई की शुरुआत हुई तो भी कोई घटना थी जी। जो मुझे अंदर से झोंक गई जी, अंदर से कुछ महसूस हुआ और दिल और दिमाग ने कहा कि नहीं तुझे कुछ करना चाहिए बानसूर के बच्चों के लिए, बानसूर के अभिभावकों के लिए, इस क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे कुछ करना चाहिए। वो पहली घटना से एक शुरुआत हुई। उसके जस्ट 2 साल बाद में फिर एक ऐसी परिस्थिति आई कि जिस परिस्थिति ने इस एजुकेशन ग्रुप के ऊपर बहुत सपोर्ट हुआ। लोग कहते हैं कि भाई आपके सपोर्टर ज़्यादा होने चाहिए जिससे आप बहुत आगे बढ़ते हो जी। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आपके खींचने वाले भी ज़्यादा होने चाहिए। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। आपको, आप बढ़ रहे हैं और उसमें आपके नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं देखने वाले या आपको किसी ना किसी बात से लेकर झकझोर करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों का मेरे जीवन में ज़्यादा महत्व रहा। बिल्कुल, मुझे रोकने की कोशिश की गई, आरसीआई शिक्षा ग्रुप को रोकने की कोशिश की गई, उन परिस्थितियों ने हमें आगे बढ़ाने की पूरी हेल्प मिला और उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। फिर आज कॉलेज के लिए कि कॉलेज में मैंने क्या कहा कि बच्चे और बच्चियों का कुछ माहौल देखा मैंने कि हमारे यहाँ के बच्चे कॉलेज तक पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जॉब में बहुत कम जा रहे हैं जी।
उस बात ने मेरे दिल को आहट की पहुंचाई कि इन बच्चों को सर्विस तक, फाइनली बच्चा दसवीं में अच्छी परसेंटेज है, बारहवीं में अच्छी परसेंटेज है, कॉलेज कर ली उसने, ग्रेजुएशन के बाद में उसने पीजी कर लिया है, पीएचडी कर ली है, फाइनली उसका विचार क्या है, सर्विस करना है, समाज को कोई नई दिशा देनी है जी, सर्विस करे या समाज को उसको कोई नई दिशा देनी है, समाज को सेवा के क्षेत्र में आना, किसी भी क्षेत्र में आए, उस फील्ड के लिए बच्चे को तैयार करना जरूरी है। और वो तैयार करने का जो प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से वो एज लगभग 17-18 साल से 21 साल की होती है, जिसमें बच्चे को किसी भी फील्ड में आप भेज सकते हैं जी, बिल्कुल। और वो जो एज है वो कॉलेज में होती है, और उसी बात ने हमारे दिल में, हमारे मैनेजमेंट जो टीम थी उसमें विचार आया कि क्षेत्र के विद्यार्थियों को, क्षेत्र को यदि विकास करवाना है तो हमें कॉलेज जो है उसके साथ साथ कंपटीशन या और जो भी फील्ड में बच्चे जाना चाहें उसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए इस कॉलेज की हमने, आप सबके सहयोग से, क्षेत्र के सहयोग से हमने कॉलेज की शुरुआत की है। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि अगर आप भी, कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई युवा आजकल 18 वर्ष की उम्र में होता है तो उसको अपना भविष्य उसी समय तय कर लेना चाहिए, नहीं तो समय के अभाव, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको चीज़ें महसूस भी नहीं होंगी, अंत में आपको जाके लगेगा कि मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ आज के इस कंटेम्पररी दौर में। मेरा सर अगला सवाल है आपसे कि आप आज के जो अपने जो क्षेत्र के जो अभिभावक हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों से, चाहे वो विद्यार्थी स्कूल में पढ़े या कॉलेज में पढ़े, एक संदेश मेरा जो मैं आपके माध्यम से इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देना चाहूँगा कि अपने बच्चे को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ें। बच्चे की मॉनिटरिंग, चाहे वो स्कूल में पढ़े, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पढ़े, चाहे वो सिटी में पढ़े या फिर गांव में पढ़े, अपने बच्चे की मॉनिटरिंग अवश्य करें। उसकी संगत कैसे बच्चों के साथ में है, उसका आना जाना कैसे बच्चों के साथ में है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन वाला पार्ट है, उसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ें। ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी संस्थान में बच्चे पढ़ें, अभिभावकों के लिए मेरा मेन जो संदेश रहेगा, उस इंस्टीट्यूट में जा कर के बीच बीच में अपने बच्चे या बच्ची के लिए, बेटे या बेटी के लिए संपर्क अवश्य करें कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उनका व्यवहार कैसा है, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, इस सब बातों को लेकर के वो संस्थान में, किसी में भी यदि माना बच्चे पढ़ रहे हैं, संपर्क करें तो निश्चित है बच्चों के टीन एज लगभग 14 साल से लेकर मैं मानूंगा कि 21 साल तक जिस अभिभावक ने अपने बच्चे को अच्छे से केयर कर लिया जी, वो बच्चा जीवन में कभी पीछे नहीं हटेगा। पीछे हटने का मतलब मैं ये नहीं मानना चाहूंगा कि वो सर्विस से ही मतलब है जी, अगर वो सर्विस नहीं भी लगा तो उसके संस्कार इतने अच्छे होंगे कि वो समाज सेवा या उस मम्मी पापा की सेवा या क्षेत्र में जो भी कार्य करेगा अच्छा करेगा। मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि इस पर वो विशेष ध्यान दें जी, बिल्कुल। ऐसा कहते हैं सर कि एक जो कामयाब इंसान होता है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तो आपकी इस कामयाबी में आपके परिवार और आपकी टीम का कितना बड़ा हाथ है? अब संख्या हो तो मैं बताऊं जी, पूरे परिवार, परिवार का मतलब है भाई हैं, छोटा भाई है, बड़े भाई हैं, मेरे मम्मी पापा जी हैं। पापा जी, देखो कुछ बातें ऐसी होती है जो लोगों को लगता है कोई पढ़ा लिखा इंसान जो है बहुत अच्छी बात बता सकता है जी, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। अनुभव से जो आता है वो बुजुर्गों के पास मिलता है जी। जब भी मैं फ्री होता हूँ पापा जी के पास बैठता हूँ, उनसे बहुत सारी व्यवहारिक जो चीज़ें हैं वो वहाँ से ली जाती हैं, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, वो उनको ज़्यादा पता है। आपको हम तो क्या है कि प्रैक्टिकल रूप करके देखते हैं, बाद में पता चलता है कि तो गड़बड़ था जी, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए पापा जी का बहुत बड़ा सपोर्ट, मम्मी जी हालांकि हाउस वाइफ हैं लेकिन जब भी माना कि कोई विपरीत परिस्थिति आई हुई है, दो चार बार मुझे अच्छे से ध्यान है कि उन्होंने भी मुझे संबल दिया है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है। टीम में शुरू में जब हमने शुरुआत की उस दिन से आज तक ऐसा कोई टीम मेंबर मुझे नहीं मिला। अब वो माँ सरस्वती की कृपा माने कि टीम में ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला जो आरसीआई शिक्षा ग्रुप में ऑब्जेक्शन करने की या इसके लिए कुछ माना कि बैकफुट में जाने की कोशिश की हो, सब ने सपोर्ट किया जी, बिल्कुल। इसके साथ ही मित्र मंडली जितनी भी है, बचपन में जब हम पढ़ते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर के कॉलेज तक, आज तक वो मित्र साथ में हैं, जब भी टाइम मिलता है उनके साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी टीम है जो आरसीआई को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, उसमें टीचिंग स्टाफ हो गया, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, फैमिली मेंबर हो गए, मित्र मंडली होगी, आप जैसे बहुत सारे जी, बिल्कुल, जिनको मैं, जिनकी गिनती नहीं कर सकता कि भाई मैं बता दूं वाले इन इन इनका बहुत विशेष सपोर्ट रहा, सबका बहुत अधिक सपोर्ट रहा, उसमें मेरी मैनेजमेंट टीम
प्लस में स्टाफ, चूंकि मेहनत तो वो लोग करते हैं, हम तो केवल मार्गदर्शन देने का कार्य कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने का काम उनका है। अनुशासन में जैसे माना नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे पीटीआई जो रहते हैं, गाड़ियों में जैसे ड्राइवर, सबका, मेरा कहने मतलब सभी का बहुत अधिक सपोर्ट रहा है। और उनको आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत अधिक धन्यवाद भी देना चाहूँगा और अपेक्षा भी करना चाहूँगा कि उनका ये सपोर्ट इसी प्रकार से लगातार इस आरसीआई शिक्षा ग्रुप के साथ बना रहे, इसके लिए पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से। जी बिल्कुल सर, मेरा अंतिम और लास्ट सवाल ये आपसे कि विद्यार्थियों के लिए आप कोई एक संक्षिप्त में कोई अंतिम मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे मेहनती रहें, बच्चे अनुशासित रहें, बड़ों का सम्मान करें और मेहनत करने के लिए चार लाइनें मैं बच्चों को बोलता रहता हूं, समझाता रहता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से वो चार लाइनें मैं कहना भी चाहूँगा कि यदि किसी भी इंसान, किसी भी विद्यार्थी को जीवन में सफल होना है तो चार लाइनें वो याद रखें संक्षिप्त में। आपके मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, पैर में चक्कर हो, मुँह में शक्कर हो, दिल में क्रांति हो, दिमाग में शांति हो। इन चार को जिस विद्यार्थी ने समझ लिया डिटेल से, मैं जहाँ जब असेंबली होती है तो मैं बच्चों को बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ये चार लाइनें जिस विद्यार्थी ने अपने जीवन में उतार ली निश्चित है वो सफल होगा। और सफल का मतलब फिर कह रहा हूँ कि सर्विस से ही सफल नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ भी मैं बच्चों को असेंबली में एक ही बात हम लोग समझाते हैं कि आप केवल और केवल पढ़ाई सर्विस के लिए नहीं करें, आप जीवन में एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे संस्कार ग्रहण करने के लिए अच्छी पढ़ाई करें। और जिस विद्यार्थी ने ये कार्य जीवन में कर लिया निश्चित वो अपने जीवन में सफल रहेगा। और ये आरसीआई जो शिक्षा परिवार है विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार, अच्छे अनुशासन के साथ उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें, चाहे वो स्कूल के माध्यम से, सीबीएसई स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, कोचिंग या डिफेंस के माध्यम से आगे बढ़ना चाहें, ये आरसीआई शिक्षा ग्रुप जो है बानसूर उनके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और हमारा एक ही टारगेट रहेगा पूरी टीम का, हमारा खुद का, कि बानसूर को शिक्षा के क्षेत्र में हम एक अलग पहचान देना चाहते हैं। जी लास्ट में भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि बानसूर जो है इसे एक शिक्षा नगरी, जैसा आपने कहा मिनी कोटा के नाम से जाना जाता है, सभी इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों को एक अनुशासित माहौल के साथ, अच्छे टीचर्स की टीम के साथ पढ़ाया जाता है। और हम सबका मिलकर एक ही टारगेट है विद्यार्थियों के लिए कि बच्चों को एक अनुशासित माहौल के साथ बानसूर क्षेत्र से अधिक विद्यार्थियों को संस्कार के साथ में अधिक से अधिक उनके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, इसके लिए हम सब प्रयासरत रहेंगे। आरसीआई शिक्षा ग्रुप के सभी ब्लॉक्स इसके लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहेंगे। और आप आज जैसा कि आप हमारे यहाँ पहुँचे और हमारे बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए आपने ये इतना बड़ा सहयोग जो दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।